IAS, GATE, PSU एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम्स की कंप्लीट हैंड रिटन नोट के साथ ऑनलाइन स्टडी करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर लेवे और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल भरत कुमार महावर, और मेरा नाम भी भरत कुमार महावर ही है। हमारा सारा फोकस अभी चल रहा था स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर। ओके, सारा फोकस हमारा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने हमारी जो हाईवे है उसको कंप्लीट किया था। ओके, कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करी थी हमने, पूरा क्या क्या सिलेबस था, जो भी IES, GATE, PSU और जो भी SSC JN, स्टेट JN, मतलब सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप कहीं भी एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए जितना सिलेबस था वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। फिर उसके बाद में हमने स्टडी करी थी सर्वेइंग की। ओके, इसका भी हमने कंप्लीट स्टडी करी थी। उसके बाद में हमारा सारा फोकस किस पे था, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर। उसमें हम सबसे पहले एनालिसिस पार्ट कर रहे थे, उसके बाद में हम डिज़ाइनिंग पार्ट करेंगे। एनालिसिस पार्ट के अंदर हमने सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर लिए, सारे जितने भी चैप्टर थे इसमें जितना सिलेबस था पूरा कंप्लीट कर लिया। हम बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ रहे हैं, इतना सिलेबस एग्जाम्स में आता नहीं है, लेकिन हम स्टडी पूरे सिलेबस की करेंगे कि क्या पता अगर उस सिलेबस में से आ जाए तो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एरिया है उसी में से ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें उसी में से पूछता है, ठीक है। और हमने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब एनालिसिस पार्ट, हम कोई भी चीज़ की डिज़ाइनिंग करेंगे, मान लो किसी ब्रिज की डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर किसी हाउस की डिज़ाइन कर रहे हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी पोजीशन पर कितना लोड आएगा, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना है, ठीक है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसा है वहाँ का। ओके, ये सारी चीज़ों की जब आपको नॉलेज रहेगी, एनालिसिस रहेगी, जब ही हम आगे के डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ओके, डिज़ाइनिंग के लिए हमें लोड की, ठीक है, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले हम एनालिसिस पार्ट पढ़ते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कंप्लीट कर ली। अब हमारा सारा फोकस रहेगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पर, ठीक है। एनालिसिस पार्ट में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, कहाँ पर ज़्यादा लोड आ रहा है, अगर कहीं पर ज़्यादा लोड आएगा तो वहाँ पर हमें स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, कंपेटिबिलिटी, हमारा स्ट्रक्चर कंपेटिबल है या नहीं है किसी भी लोड को लेने के लिए। ओके, एनर्जी, इन सारी स्ट्रेन एनर्जी, किसी भी टॉर्क के कारण स्ट्रेन एनर्जी कितनी जनरेट होती है, बेंडिंग मोमेंट के कारण कितनी जनरेट होती है, एक्सियल फोर्सेस के कारण कितनी एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होती है। ओके, तो सारी चीज़ों की एनालिसिस हम कर रहे थे। अब हमारा टॉस पर पूरा ध्यान रहेगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसको टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी बोल देते हैं। ओके, स्ट्रक्चर एनालिसिस में जो भी हमारा सिलेबस रहेगा वो पूरा, पहला हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ILD। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव में से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कन्वेंशनल के लिए कोई क्वेश्चंस बनते नहीं है। सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे आर्चेज एंड केबल्स। ओके, थर्ड पढ़ेंगे ट्रसेज, इसमें ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों में ही आते हैं, आर्चेज भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव में से या फिर कन्वेंशनल में भी आते हैं इसमें क्वेश्चंस। ओके, ट्रस में से ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल दोनों में क्वेश्चंस बनते हैं। फिर पढ़ेंगे हम इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अ स्ट्रक्चर, या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ अ स्ट्रक्चर, कि हमारा स्ट्रक्चर कब डिटर्मिनेट रहेगा कब इनडिटर्मिनेट रहेगा। ओके, सब चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे, अभी आप केवल इनका ओनली ओवरव्यू ले लो कि क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, सब डिटेल से स्टडी, आपने देखा होगा पिछले जितने भी लेक्चर्स करे, हाईवे, सर्वे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सबको डिटेल से स्टडी करिए, पूरे एक एक सिलेबस बताया मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा। ओके, देन फिफ्थ चैप्टर रहेगा फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, कन्वेंशनल में आता है। देन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, कन्वेंशनल में आता है। देन उसके बाद में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, कन्वेंशनल में आता है। देन मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव में आता है इसमें से, ठीक है। अभी ये केवल थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, कन्वेंशनल में आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कन्वेंशनल में आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में बहुत ही कम आते हैं। ओके, और ये नया चैप्टर एड हुआ था IES में, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स। ओके, तो इसकी भी हम स्टडी करेंगे साथ साथ में। अब आप देख सकते हो कि किस किस चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा, मैं सिलेबस डिटेल से बता देता हूँ, जैसे आप सिलेबस देख सकते हो, जैसे देखो हम जब स्टेबिलिटी एंड डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी पढ़ेंगे तो उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, आप सिलेबस पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। ओके, देन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम सेकेंड चैप्टर, ठीक है, सीरीज़ हम वो रखेंगे, ठीक है, सीरीज़ हमारी वो रहेगी जो मैंने बता रखी थी अभी पहले बताई थी, लेकिन मैं सिलेबस देख लो आप इन सब की, ये कि स्टेबिलिटी
एंड इंडिटर्मिनेसी में ये सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। ओके, यानी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ये सिलेबस, यहाँ से ब्यूल मुलर्स ब्रेस लॉ प्रिंसिपल, ठीक है, देन ट्रसेस में भी ये सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। आप वीडियो को पॉज करके सिलेबस को लिख लो, ठीक है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी देखो। ओके, बाकी हम तो डिटेल से तो पढ़ेंगे। देन आर्चेज के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे, आर्चेज में इतना सिलेबस है हमारे पास, 3 इंच आर्च, 2 इंच आर्च, सब चीज़ की स्टडी। देन इक्विलिब्रियम, एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम, हमारा स्ट्रक्चर एक्सटर्नल इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा। फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाना आ ही गया, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जैसे ये हमारे पास सिंपल सपोर्टेड बीम है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे कि हिंज पर तो दो रिएक्शन लगेगी हमारी इस तरीके से, ओरिजेंटल एंड वर्टिकल, और रोलर के ऊपर सिर्फ वर्टिकल लगेगी, तो एक तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। यहाँ से ये लाइन है फ्री बॉडी डायग्राम, तो इसकी थोड़ी सी और स्टडी कर लेंगे हम। फिर साथ ही साथ मेथड्स ऑफ इंडिटर्मिनेट एनालिसिस, मतलब ये सब हमने कर लिए जो डिफ्लेक्शन चैप्टर पढ़ा था उससे रिलेटेड हैं सारे, जैसे ये कास्टिक लानोज थ्योरम हो गई, फर्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम, मैक्सवेल, ठीक है, इसको भी मैं और बता दूंगा, कंसिस्टेंस, डिफॉर्मेशन, ये सारी स्टडीज़ हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कर ली। ओके, उसके बाद में हमारा 7th चैप्टर रहेगा एनर्जी मेथड, या फिर इसको एनर्जी मेथड ऑफ एनालिसिस, ठीक है, उसका बाकी का पार्ट यूनिट लोड मेथड, ये सब हमने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में कर लिया। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर और जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है वो दोनों एनालिसिस पार्ट ही है। ओके, सिलेबस अलग अलग डिवाइड कर रखा है इनमें, तो आप इनको एक जगह रख के और फिर पढ़ सकते हो। देन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ एनालिसिस, देन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड ऑफ एनालिसिस एंड मैट्रिक्स मेथड ऑफ एनालिसिस, ये सारा सिलेबस आप देख लो इसमें जितना भी सिलेबस है। ओके, देन ये तो हमारा वो आ ही गया कि हम हमारा एनालिसिस पर हमारा पूरा फोकस है। उसके बाद में हमारा डिजाइनिंग के ऊपर रहेगा, डिजाइनिंग में आरसीसी पढ़ेंगे सबसे पहले, देन स्टील, देन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड देन मेसनरी, इन सब चीज़ों की डिजाइनिंग किस तरीके से करेंगे, सारे स्टेप्स हैं, कोड वगैरह कैसे देखते हैं, सब चीज़ों की डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हमारा ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। ओके, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 रहेगा इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और आई होप आपने पीछे के सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से देखे होंगे, आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि समझ नहीं आ रहा, धीरे चलो, अच्छे तरीके से समझाओ, कुछ भी आपको जिस भी चीज़ के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। और अगर आपके पास जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन पर क्लिक और कर लेना, उससे क्या है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए ही फ़ायदा है, पूरा IAS के रिलेटेड हर एक चीज़ की स्टडी करेंगे। ओके, साथ ही साथ आप यहाँ से स्टडी करने के बाद में फिर आप कहीं कोचिंग सेंटर में स्टडी करोगे, देन आपको 99% बेनिफिट मिलेगा। चाहे आप सीधा कोचिंग करके देख लेना, लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि सीधा BTEC पास आउट हुए और सीधा कोचिंग करने चले जाते हैं 70,000 रुपये देके, और वहाँ पर कोचिंग करके वो घर पे आते हैं वापस। मैंने देखा है, मेरे बहुत से फ्रेंड्स थे जो गए और कोचिंग करके घर पे आ गए, फिर घर पे स्टडी कर रहे हैं। लेकिन पहले आप घर पे स्टडी करो पहले, ओके, एंड देन कोचिंग करो, फिर आपको कितना बेनिफिट रहेगा ये आप खुद से सोचो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।